नाम विशाल सागर है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा में जिला कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज जो हम लोगों का ज्ञापन है वो एनआरसी और कैब का विरोध है। अगर जो एनआरसी और कैब जो देश में लागू हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 1971 का डॉक्यूमेंट्री दिखाइए। आज जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अंचलों में कितने ऐसे सारे लोग हैं उनके पास 1971 का डॉक्यूमेंट्री नहीं है। अब तक तो ये कहा गया था कि ये बात मुस्लिम भाइयों के साथ है लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात SC ST OBC माइनॉरिटी जैन लिंगायत बौद्धिस्ट आदि के लोगों को गुमराह करने की भी एक साजिश है। मैं ये मानता हूँ एनआरसी कैब लागू हो लेकिन एनआरसी कैब लागू होनी चाहिए वो DNA के आधार पे लागू होनी चाहिए। DNA उनका चेकअप होना चाहिए कि कौन विदेशी है और कौन मूल निवासी है, इसका आधार प्रमाण DNA के आधार पर होगा।